बंगाल की खाड़ी के कम दबाव के क्षेत्र के कारण से भारी बारिश से कटक जिले के महानदी में आई बाढ़ के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया। हीराकुंड डैम में जलस्तर धीरे धीरे गिर रहा है। हीराकुंड बांध के 28 फाटकों में अब पानी बढ़ रहा है और हालांकि हीराकुंड में जलस्तर थोड़ा कम है और नदी बढ़ रही है। हीराकुंड जलाशय में चीफ इंजीनियर आनंद चंद्र साहू ने कहा कि कलमा बैराज में प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा गिर रही है अब और गेट खोलने की जरूरत नहीं है। जितना पानी आ रहा है पानी निकल जा रहा है। पानी अब सुबह 10 बजे मंडली से 6.26 लाख क्यूरेक्स पानी गुजरा, आज आधी रात 7 लाख क्यूरेक्स पानी निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से गंभीर बाढ़ आ सकती है। हीराकुंड बांध का भंडारा क्षमता 50,488 क्यूरेक्स पानी हीराकुंड जलाशय में प्रवेश करेगा जबकि 4,76,294 क्यूरेक्स पानी छोड़ा जाता है। आज सुबह 9 बजे तक हीराकुंड में जलस्तर गिरकर 628.43 फुट हो गया जबकि सुबह 9 बजे तक 627.81 फुट तक गिर गया। हालांकि सुबह 6 बजे नराज में जलस्तर 25.50 मीटर था जबकि सुबह 9 बजे यह बढ़कर 76 मीटर हो गया। हीराकुंड बांध में बाढ़ का पानी घटने के बाद खोरधा प्रखंड में तीनों पंचायत के 10 से अधिक गांव में पानी भर गया। R9 भारत के लिए आदित्य पानीग्राही की रिपोर्ट, कटक, उड़ीसा।